अजय 22 नंबर और संतरे और मौसमी का बाजार जानेंगे। आप सब देखते हैं तो अच्छे से लाइक करें। आप जितने लोग लाइक देख रहे हैं उतने सब लोग लाइक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइक हो जाएगा और आगे वीडियो बढ़ता रहेगा। शेयर करेंगे तब तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार और क्या बाजार चला संतरा और मौसमी का। तो चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। तो चलिए मौसमी का बाजार जानते हैं आज का मौसमी का कैसा बाजार चल रहा है और क्या बाजार चला। तो चलिए तीसरे भाई से आज का क्या बाजार चला मौसमी का। तो इसके बाद संतरे का बाजार जानेंगे और फिर इसके बाद संतरे का बाजार जानेंगे क्या बाजार चल रहा है। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चल रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं भारत इंटरप्राइजेस से बोल रहा हूँ। गला नंबर 664-65। अच्छा, मौसमी का आवाज़ समझ लीजिए 30 गाड़ी थी जी। और मौसमी का भाव अच्छा मौसमी है जो 30-35-36 बिक रहा है। अच्छा। सुपर क्वालिटी है 40-45 रुपये बिक रही है। अच्छा अच्छा, लो क्वालिटी है 35-36 ही बिक रहा है। नीचे का माला समझ लीजिए आपको 20-22-18 जैसे माला है वैसे बिक रही है जी। तो और आज मार्केट साफ होगा कि नहीं? मार्केट में ऐसे भी साफ क्लियर नहीं होगी, कुछ दुकान पे माला रहेंगे। अच्छा अच्छा, हो सकता है कल और गाड़ी कम आएगी तो हो सकता है। अभी उठाव थोड़ा कम है। अच्छा, ठंडी पड़ रही है ना, अभी बाहर ठंडी पड़ रही है इसलिए मौसमी का उठाव थोड़ा कम हो गया है जी। नहीं ये मौसमी 30-32 गाड़ी कोई ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, 30-32 गाड़ी में सुबह सुबह ही व्यापार हो जाता है, मगर अभी ठंडी के कारण मौसमी का थोड़ा उठाव कम है जी। अभी यही डिलेक्शन का बाजार जानते हैं चाचा जी से कि चाचा जी से क्या डिलेक्शन का बाजार और क्या पोजीशन चल रहा है डिलेक्शन का। नमस्कार नमस्कार, मार्केट में व्यापार जो है ना एकदम ठंडा हो गया, ब्याल ही नहीं बिक रहा है। अच्छा, किसी भाव भी। हेलो जी जी, बोलते रहिए। और इसका क्या बाजार है? ये एप्पल जो है ना इतना अच्छा एप्पल है, 400-500 रुपये का बिक रहा है। अच्छा अच्छा, लोगों को बोलो एप्पल खावे थोड़ा ज़्यादा में ज़्यादा जो व्यापार हो गए जी जी। और डिलेक्शन कितनी गाड़ी आई थी आज? आज वो पक्का नहीं मालूम, वो मुझे नहीं मालूम, आज मेरे ख्याल से वो उसका नहीं मालूम। अच्छा, 10-15 गाड़ी होगा। आज 18 गाड़ी है। हाँ। और व्यापार स्लो है, कुछ माल कोल स्टोर में जा रहे हैं। तो आपका माल गया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, माल थोड़ा सा यही बेचना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? अब्दुल सत्तार। ठीक है, तो चलिए अभी संतरे का बाजार जानते हैं। आज संतरे का कैसा बाजार चल रहा और क्या पोजीशन चल रहा है और कैसे बाजार के रौनक चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज का संतरे का क्या बाजार चला और क्या पोजीशन चला। चलो आ गए 336 और चलिए जानते हैं अच्छा कैसा बाजार चला संतरे का। नमस्कार भाई। नमस्कार, नज़दीक तो आओ। तो कैसे क्या बाजार चला अभी संतरे का? एकदम भारी से भारी क्वालिटी 50-45, उससे नीचे एकदम भारी रहेगा तो 40, उसके नीचे का 30-35 और बाकी जो है चूरा बारीक सारी 15-20 रुपये। और आवक क्या है आज? आवक रहेगा पुणे का 10-12 गाड़ी, अमरावती है 20-25 गाड़ी। अच्छा, अपना कहाँ का माल है? अपना माल कहाँ का है? अपना माल नगर साइड का, अहमदनगर साइड का माल है। अच्छा अच्छा, तो और जो पुणे का बाज़ार कैसा हो रहा है? पुणे का बाज़ार अच्छा माल रहेगा, एकदम सुपर क्वालिटी माल, तो उसका पैसा अच्छा बनता है। अच्छा अच्छा, अमरावती के मुकाबले ये माल थोड़ा एकदम शाइनिंग में और वजन में थोड़ा ये रहता है, खाने में खट्टा मीठा है जी, और ये टिकता ज़्यादा है। इसका लाइफ स्पैन जो है तो समझो ये 3-4 दिन तक रह भी जाता है, वैसे अमरावती इन कंपेयर 2 दिन। अच्छा। 2 दिन क्या तो सड़ना गलना चालू हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी माल कैसे आ रहा है? कैरेट के अंदर आ रहा है? कैरेट में लूज माल नहीं आता। अच्छा, पहले लूज आता था, अभी कैरेट में आता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? सोहेल, 635-36 8097-52-3288। ठीक है भाई साहब, को कॉन्टेक्ट करो कभी भी और किसी माल बारे में जानना हो ऑरेंज के बारे में सिर्फ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ पे ऐसा मतलब चिल्लर जैसा व्यापार करते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो भी वैसे बेचा जाता है, और जहाँ ज़्यादा माल बिकता है और वहाँ पे ऐसे माल, क्योंकि यहाँ ये लोग हमेशा छटिंग करके माल लेते हैं और छटिंग करके माल जो बेचता है वो अच्छा खासा फ़ायदा मुनाफा पाता ही है। चलिए यहाँ पे एप्पल है डिलेक्शन, चलिए और बाजार आपको डिलेक्शन पता ही चला तो आप सबको पता चलते ही रहेगा लाइफ टाइम तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा बाजार चल रहा है मैंगो का। तो मैंगो
का बजाज समझेंगे, आज का मैंगो का कैसा बजाज, कहाँ क्या बजाज चल रहा है फिलहाल मैंगो का। तो इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, तभी बताएंगे आज का मैंगो का कैसा बजाज चल रहा है और क्या पोजीशन चल रहा है। तो अभी तोतापुरी बचा है और इधर तोतापुरी का ढिगला भी पड़ा हुआ है और अभी इसको माल को छटिंग होगा और कट और फिर कैरेट में डाला जाएगा। और चलिए बाजार के बारे में जानते हैं आज का कैसा बाजार चला तोतापुरी का। नमस्कार। नमस्कार। और आज कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छा अच्छा, बोलिए तो क्या सेवा करना है आपकी? तो आज बाजार के बारे में बताइए, डिलेक्शन का कैसा चला? डिलेक्शन बाजार 150-200 रुपया नीचे आया हुआ है, बाजार में कस्टमर है ही नहीं जी। आप जरा बाहर का जो अगर सन्नाटा देखोगे जी, आपका कैमरा जो है जरा बाहर जरा दिखाओ, देख लो क्या हाल जरा बाहर के जरा देख लीजिए। तो बाहर ये हाल है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, पूरी मंदी है, ये सब माहौल है बाजार का। आप देख लीजिए चारों तरफ दिखाओ, तुम्हारा कैमरामैन को बोलो जी कि भाई चारों तरफ ये कैमरा दिखाओ, घुमाओ, देखो क्या हाल है, क्या कंडीशन है, देख लीजिए। जी जी, ये है कंडीशन बाजार की। तो और बाजार के बारे में बताइए। बाजार यही चल रहा है, अभी कोई चीज में मतलब दम तो है ही नहीं जी। दिन दिन में बाजार गिरते चले जा रहा है, कस्टमर है ही नहीं, खाने वाले कम हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, जो मतलब कल भी जैसे भाजी में बेचता हूँ तो का आज 12 साल पहले 20 रुपए किलो बेचता था, आज भी वही पोजीशन चल रहा है, 20 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 साल पहले अगर 20 रुपए का बिकता है तो ये टाइम में तो 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकना चाहिए ना। महंगाई बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ते चली जा रही ना, महंगाई क्या कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ते चली जा रही है। जी जी हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं 12 साल पहले भी भाजी बेचा 20 रुपए किलो से, आज भी वही भाव बिकना पड़ता है। तो अभी के कंडीशन में 20 रुपया पाव बिक रहा है, 25 रुपया 30 रुपया पाव बिक रहा है, नहीं वो टाइम में तुमने किलो बेचा होएगा। तो आज भी मैं बेचा हूँ 20 रुपये किलो, कल बेचा था मैंने जो। तो आप में कमी है? नहीं नहीं, तो आप कहीं गलत माल लेके जाते होंगे, क्योंकि 20 रुपया किलो कोई चीज़ है ही नहीं। भाजी कौन सी तुमको 20 रुपया किलो मिलती है? आज शिमले का बाजार, उस दिन हमने टमाटर लिया 50 रुपया 60 रुपया किलो। जी सही बात है, और ये बात मालूम है कि तो अच्छा टमाटर 40 रुपये किलो बाजार गया है आज। हाँ जी, आज का बाजार। और जो मतलब शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का अच्छा बाजार, जो निर्मल शिमला होता है इसके 20 रुपये बाजार गया। आप फ्रूट मार्केट में बैठे, फ्रूट मार्केट के मार्केट में बैठने के बाद में आप मेरे को फ्रूट के बारे में पूछो। अच्छा, आप भाजी के मार्केट में पूछोगे मैं क्या जवाब देने नहीं वाला? तो मैं मतलब भाजी खाने वाला हूँ। हाँ। मुझे मालूम है भाजी का क्या रेट चालू है। अप्रूट के बारे में पूछो अगर आपको पूछना है तो। ठीक है, तो डिलेक्शन का कैसा बाजार चल रहा है? डिलेक्शन का बाजार आज सीधा 700-800-900 हजार। अच्छा, सुपर क्वालिटी? सुपर क्वालिटी 1100। अच्छा, और आम का कैसा बाजार चल रहा है? आम का बाजार आज तोतापुरी हमारे भाई ने लाया 70 रुपया, हमारे सलीम भाई करके व्यापारी है हमारे, जी जी मेरे दोस्त है, 70 रुपया किलो आज तोतापुरी लेके आए। अच्छा अच्छा, अभी वो पकने वाली है या कैरी बनाने वाले कुछ पता नहीं है। अच्छा, लेकिन तोतापुरी लाए 70 रुपया किलो। जी जी, तुम्हारे भाजी मार्केट से ही उठाया है कोई व्यापारी ऐसी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। नीलम का बाजार वही है, लालबाग का बाजार वही है। बाजार होने से कुछ मतलब, बाजार में खाने वाला, लेने वाला, खरीद करने वाला कस्टमर होना चाहिए ना, बाजार क्या करने का। जी जी, फ्रूट मार्केट का शेयर मार्केट के जैसा है, कब बाजार उठेगा कब गिरेगा पता भी नहीं लगेगा। आज मैं ये 1800 का सेब बेच रहा हूँ, कल मुझे ये 900 का भी बेचना पड़ेगा, शाम को मेरे को ये 700 का भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं 1-2 दिन का अगर नहीं बेचूं तो तीसरे दिन खराब हो जाता है, कोई रौनक नहीं रहती है। सही, तो इसके लिए रोज का रोज व्यापार करोगे वो फायदे में रहोगे। तुम 3-4 दिन बाद में अगर एक पेटी बेचोगे क्या बनने वाला है, नुकसान तो ही नहीं, सूखते चले जाता है माल, इसका वजन घटता है, इसकी इसकी जो शाइनिंग रहती है शाइनिंग कम हो जाती है, कौन लेने वाला है, कौन खरीद करेगा उसको। जी, तो अभी मौसमी का कैसा बाजार गया? मौसमी 55 रुपया 60 रुपया 40 रुपया 45 रुपया ऐसा बाजार। हाँ जी, और संतरे का? संतरे का वही 22 रुपये से लेके 60 रुपये तक का। हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे जो बाजार? आप जो पूछेंगे वही मैं बताऊंगा कि मैं अपने अपने मर्जी से नहीं बताऊंगा ना। जी जी, आपको क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा ना, आप मैं अपने मर्जी से बताऊंगा तो अच्छा नहीं होएगा ना। तो आप संतरे के बारे में पूछा, मैं संतरे के बारे में आपको बताया, आम के बारे में पूछा, मैं आम के बारे में बताया, आपने मुझे को सेब के बारे में पूछा, मैं सेब के बारे में बताया। तो मौसमी के बाजार कब उठने वाला है ऐसा?
मौसमी का बाजार सोया ही किधर उठने वाला है। अच्छा, बाजार कोई सोता नहीं है, तो कस्टमर होना चाहिए। इससे भी ज्यादा बाजार होता है मौसमी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गणपति के त्योहार में बाजार एकदम हाई पावर रहता है, तेजी पावर रहता है। बाजार में मौसमी ज्यादा बिकता है गणपति के टाइम में जी। तो गणपति के टाइम में अच्छा बाजार चलाना जी। अभी जो लेके जाने वाले सब जूस वाले लेके जाने वाले हैं जी, जी। आम आदमी बहुत कम खाता है। अब मौसमी जो चलता है गणपति के मौसम में, नवरात्रि के मौसम में मौसमी ज्यादा चलता है। गणपति और नवरात्रा उसमें मौसमी ज्यादा चलता है जी जी। तो और क्या, बस और कुछ आपको चाहिए? नहीं, मैंने आपको वादा किया था कि अगले टाइम जब आओगे आप मेरे को मराठी में पूछो। आपने मुझे मराठी में पूछा नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर से पूछे कभी पूछे। नेक्स्ट मैं आपका जो सवाल का जवाब है मराठी में दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को और खेती वाले सबको राम राम, जय श्री राम। और आज का ईरान का बाजार के बारे में जानेंगे। आज का ईरान डायरेक्शन के बाजार के बारे में जानते हैं। आज का ईरान का डायरेक्शन का क्या बाजार और क्या पोजीशन चल रहा है, पूछते भाई साहब से आज का कैसा बाजार चला और कैसा पोजीशन चल रहा है फिलहाल। और आज है 22 नवंबर, और चलिए बाजार के बारे में जानते हैं आज का कैसा बाजार चल रहा है और क्या माहौल चला, चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, तो आज का ईरान का कैसा बाजार चला? बाजार अभी ग्राहक थोड़ा कम है, बाजार थोड़ा डाउन में है। अच्छा, वैसे तो माल के ऊपर बाजार रहता है, अभी 700-800 का बिक रहा है माल। अच्छा, सुपर माल क्या भाई बिक रहा है? सुपर माल मिलेगा आपको 900-950 तक, एक नंबर माल ईरान का। अच्छा अच्छा, तो अभी आवक क्या होगी, आवक कितना गाड़ी होगी ईरान? वैसे तो अभी कश्मीर आ रहा है, ये तो आपको मालूम है, ये ईरान से आ रहा है तो कोल्ड स्टोर से आता है जी। बाकी जी, ये 30-35 गाड़ी रहता है ऐसा अनुमान। अच्छा, कश्मीर का। अच्छा अच्छा, तो ईरान का मालूम नहीं पड़ेगा कितना गाड़ी आएगी? नहीं, ईरान का कुछ इसका आइडिया नहीं रहता, वो स्टोर में डायरेक्ट आता है ना, वहाँ से हम लोग के पास आता है। अच्छा अच्छा, उसका आइडिया हम लोग के पास नहीं। तो अभी डिलेक्शन का कैसा बाजार चला? डिलेक्शन का अभी बाजार थोड़ा महंगा है क्योंकि ग्राहक कम है ना अभी। जी जी, तो कैसा बाजार चला? वैसे ऊपर अच्छा माल एकदम 1000 तक, 950-1000 ऐसा तक बिकता है। अच्छा अच्छा, और सुपर माल क्या बाजार बिका? सुपर फाइन 400-300-500 ऐसा बिकता है। जैसे माल है, माल के ऊपर रहता है, हर चीज माल के ऊपर। और तो डिलेक्शन की गाड़ी कितनी आई थी आज? डिलेक्शन की गाड़ी आज क्यों रह गई माल, 15-20 ऐसा होगा, कल 30 था। आज 15-20, मतलब गाड़ी आज थोड़ा कम है। आज थोड़ा कम है, बाजार भी नहीं चल रहा है ना। जी जी, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नफीस अहमद। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9768998808। ठीक है, धन्यवाद, ओके। तो डिलेक्शन का बाजार बहुत कम चल रहा है और ईरान का भी बाजार कम है फिलहाल। तो चलिए और बाजार के बारे में जानेंगे, ऐसा क्या बाजार चल रहा है, क्या पोजीशन चला। तो अभी हम आ चुके हैं मामा के पास, तो मामा के पास जानते हैं इसका कैसा बाजार चला, डिजेक्शन का क्या पोजीशन चल रहा है। तो चलिए जानते हैं, यह 44 इनका गाला नंबर है, और चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार, क्या पोजीशन चला। नमस्कार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। एपीएमसी फ्रूट मार्केट, एपीएमसी फ्रूट मार्केट, एफ 44। आज बाजारामध्ये 18 गाड्या असल्यामुळं मालाला फार उठाव नाही, चांगल्या मालाला गिराई घेते, हलक्या मालाला गिराई घेत नाही, आणि मालाला तशा प्रकारे काही उठाव काही नाही आहे। आज फार परिस्थिती बिकट आहे, काही लोकांनी स्टोरमध्ये माल टाकलेत जी, सही बात, इकडं तिकडं माल कटिंग करत चाललेत, पण बाजाराचे पार डाऊन झालेत। जो 1200 रुपयाला माल विकत होता तो माल विकला जातोय 800-900 रुपयाला, जे 4 थर 700-800-900 रुपयाला विकत होतं ते 500-600 रुपयाला विकले जातात। रोल विकला जातोय 450-500, लईत लई 550 याच्या व्यतिरिक्त, आणि वजन असलं तरच गिराई घेतं, नाही तर अजिबात घेत नाही, माल चांगला असला तरच घेतं, अशी परिस्थिती झालेली आहे। त्याच्यामुळं बाजारात फार माल, गाड्या काहीच्या काही पॅक आहेत, माल खाली करायला जागाच नाही राहिलेली, फार बाजार मंदी झाला आहे, गिराईक नाही। ठीक आहे, धन्यवाद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।
ताड़ी तो वजन किती असतं काका याचं वजन येणार तुम्हाला 16-17-18 किलो वजन बरं ठीक आहे आणि तुमचं नाव महेंद्र किसन दांगट मोबाईल नंबर 9322828741 ठीक आहे धन्यवाद रन का बाजार जानते हैं और किन्नूर का भी इनके पास माल है तो अभी रन का बाजार क्या चल रहा है क्या पोजीशन है पूछते भाई से तो नमस्कार भाई नमस्कार तो अभी रन का कैसा बाजार चला रन का बाजार आज थोड़ा महंगा हो गया बाजार 1100 से लेकर 1150 तक अच्छा अच्छा सुपर क्वालिटी और किन्नूर का कैसे चला किन्नूर का 4000 से लेकर 4500 तक अच्छा और शिमला का है 3500 से लेकर 3800 तक अच्छा तो अभी मतलब डिलेक्शन का कैसे चल रहा है डिलेक्शन का 1500 लेकर 1400 तक अच्छा अच्छा सुपर मॉल अच्छा ठीक है आपका नाम मेरा नाम जुबर आलम है ठीक है आज डिलेक्शन की गाड़ी कितनी आई आज डिलेक्शन की गाड़ी 28 गाड़ी था और किन्नूर का गाड़ी आज 2 ही था किन्नूर का कम हो गया ना अच्छा अच्छा और हिमाचल का भी वैसा होगा 10-15 गाड़ी अब कुल्लू का माल आ रहा है कि नहीं कुल्लू का माल कुल्लू का भी होगा 4-5 गाड़ी अच्छा अच्छा इसका क्या अवेलेबल चला उसका बाजार तो वही लिमिट पे है 700-800-900 अच्छा रहेगा तो 1000-1200 माल के ऊपर ठीक है धन्यवाद और आपका मोबाइल नंबर 9967488125 ठीक है धन्यवाद चलिए अभी चिकू का बाजार जानते हैं आज कहाँ तो चिकू का कैसा बाजार क्या पोजीशन चल रहा है अंदर से पूछते हैं आज का चिकू का क्या बाजार चल रहा है और क्या पोजीशन का तो बाजार अभी चिकू का मालूम नहीं पड़ा बाजार बढ़ता चला जाता आपको जो बताया जाएगा प्रबंध भाई बता सकते और बाकी सभी बताए तो मुझे बताया ही नहीं जा रहा कि इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है तो चलिए और भी बाजार के बारे में जानते हैं चिकू सभी अच्छा और क्या पोजिशन चल रहा है तो अभी इनके पास खरबूजा है खरबूजे का बाजार जानते हैं आज का खरबूजे का क्या बाजार चल रहा है क्या पोजिशन गया तो पूछते हैं आज का खरबूजे का क्या बाजार चल रहा है तो चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चल रहा है खरबूजे का और गोभी का और ऑरेंज खरबूजे का एक मिनट नमस्कार भाई बोलो और कैसा बाजार चल रहा है अभी आज चल रहा है वही लेवल एक ही है 25-30 रुपये तक अच्छा और गोभी का गोभी का जा रहा है अच्छा माल 40-45-50 और जो वाला येलो वाला हाँ ये चल रहा है 20-25 रुपया सुपर मॉल और गाड़ी कितनी आई होगी बॉबी की आज बॉबी का पिकअप आया था 2-3 पिकअप आया था अच्छा और खरबूजा कुंदन का 5-6 बड़ा गाड़ी आया था अच्छा हाँ और येलो वाला 2-3 आया था अच्छा अच्छा तो एक्सपोर्ट चालू है कि नहीं एक्सपोर्ट चालू है ना अच्छा अच्छा तो हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्या बजट चलता है एक्सपोर्ट में जाता है वो पीला वाला जाता है 35-40 रुपया 30 रुपया एक्सपोर्ट हो रहा है चलिए ठीक है धन्यवाद और कलिंगड़ का कैसे चला बाजार कलिंगड़ का हो रहा है 15-16 आज थोड़ा बाजार टाइट है अच्छा अच्छा इसके लिए ठीक है धन्यवाद चलो और चलिए ठीक और आपका नाम मेरा नाम है सानू भाई अच्छा अच्छा सानू भाई ठीक है तो सानू भाई आपको अपना नंबर दीजिए अपना भी होलसेल रिटेल दोनों है खरबूजा का जी हाँ कोई मंगाने का इच्छा रहेगा तो मंगा सकते हैं मोबाइल नंबर नोट करो 9082625256 ठीक है धन्यवाद 9082625256 ठीक है धन्यवाद चलिए पपैया के बाजार के बारे में जानते हैं आज का पपैया का क्या बाजार है क्या पोजीशन चला पपैया का चलिए समझते हैं आज का बाजार के बारे में और जो भी बाजार है ये होलसेल का बाजार है क्या बाजार चल रहा है चलिए जानते हैं नमस्कार भाई नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांनो दिवाळी झालेली आहे सध्या पपईचे बाजार खूप डाऊन आहेत 10-12 रुपयेपर्यंत पपईचे बाजार आहेत अजून आपल्याला 15 दिवसानंतर थंडी पडल्यानंतर आपल्या पपईला चांगला दर लागण्याची शक्यता आहे सध्या पपईचे हां स्टॉप करू जरा थंडीचं वातावरण जरा महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाल्यानंतर पपईचे बाजार वाढण्याची शक्यता आहे सध्या पपई बाजार खूप कमी आहेत तरी शेतकरी बांधवांनो थोडा सेम ठेवा लवकरच बाजार वाढतील धन्यवाद शुभेच्छा आणि आजचे काय बाजार गेले आजचे बाजार 10-15 रुपयेपर्यंत बाजार आहेत चांगला माल पाठवा चांगले पैसे होते ठीक आहे चांगला मालचं काय बाजार चालू चांगला माल 14-15 रुपये ठीक आहे धन्यवाद ए चॅनल लाईक करो शेअर करो और कमेंट करा सर्वांनी कोणी सबस्क्राईब केलेलं नाही त्यांनी सबस्क्राईब करा आपल्याला फ्रूट मार्केटचे रेट
आपल्याला रोजच्या रोज कळले जातील. या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, धन्यवाद. तो आपको पपैया का बाज़ार पता चला. फिलहाल पपैया का बाज़ार ऐसा चला और भी बाज़ार के बारे में जाना जाएगा आज का कैसा बाज़ार चला. तो चलिए कलिंगढ़ का बाज़ार जानते हैं. आज का कलिंगढ़ का क्या बाज़ार चला और क्या पोजीशन चला और जो रेड चिल्ली का जैसा बाज़ार है, रेड चिल्ली का 20-35 रुपये किलो तक चल रहा है. तो और भी बाज़ार के बारे में जानते हैं. तो और खरबूजे का बाज़ार जानेंगे. जाने आप लोग जाने नहीं तो जान जाएंगे ऐसा है. तो चलिए धन्यवाद. आप सब देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. चलिए हम आ गए पाइनएप्पल के बाज़ार में. तो अभी पाइनएप्पल का बाज़ार के बारे में जानेंगे. आज का पाइनएप्पल का कैसा बाज़ार और क्या पोजीशन चला तो पूछेंगे. ठीक है, और संतोष भाई होंगे तो उनसे पूछा जाएगा आज का कैसा बाज़ार चला और क्या पोजीशन चला फिलहाल. चलिए तो अभी आज पाइनएप्पल का बाज़ार पता चला. तो पहले संतोष भाई नहीं है तो आज का पुनः पाइनएप्पल का बाज़ार मैं बताता तो आप सबको. तो आज का पाइनएप्पल का बाज़ार चला है 30-35 रुपये किलो. और जो एकदम बड़ा रास है तो बड़ा रास का कम से कम 40 से कम नहीं बिक रहा है. ऐसे ये बर्ड्स को बड़ा बाल बोलते हैं. तो ये बाज़ार कड़े में ऐसे भी एक दो जगह ऐसा मिल सकता है, बाकी छोटा रास ही मिलता है. तो चलिए आज गाड़ी नहीं आई है तो कल आवक रहेगी. तो चले कल का फ्रेश बाज़ार पता चलेंगे. तो जो कल बाज़ार चला वो आज भी बाज़ार वैसे ही चल रहा है. तो चलिए जानते हैं अभी कलिंगढ़ का बाज़ार. फिर इसके बाद जानेंगे अनार का, तालीम का, एप्पल बोर का, वो सब चीज़ का बाज़ार पता चलता ही रहेगा आप सबको. तो चलिए जानते हैं आज का कैसा बाज़ार चला. तो अभी हम आ गए कलिंगढ़ के बाज़ार में. हमें चमेली बोर और कलिंगढ़ एप्पल बोर तो सब चीज़ का ऐसा बाज़ार पता चलता है. तो चलिए आज के कलिंगढ़ का बाज़ार जानते हैं. आज का कलिंगढ़ क्या बाज़ार चला, क्या पोजीशन रहा. नमस्कार. अस्सलाम वालेकुम. नमस्कार. तो आज का कैसा बाज़ार गया. आज गाड़ी का बाज़ार थोड़ा ऊपर है. 13-14 रुपया गाड़ी का बाज़ार है. अच्छा, मार्केट में भी रहे फिर भी गाड़ी है 20-30 गाड़ी है मार्केट में. हाँ, स्पोर्ट थोड़ा चालू हो गया इसकी वजह से थोड़ा बाज़ार ऊपर हुआ. जी जी, फिर भी चल रहे हैं. ठीक है ठीक है. और सुपर माल क्या बाज़ार. सबसे अच्छा माल 17-18-16 रुपया. ठीक है. हाँ, यही चल रहा है. ठीक है, आपका नाम. मेरा नाम तसम्मर रहमान है. हाँ भाई. ठीक है, आपका नाम. तसम्मर. मेरा नाम तसम्मर रहमान है. जी जी. ओपन साइड में रहता हूँ. जी जी. आओ देखो, माल लेके जाओ. अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा आपके पास. जी. ओके, अस्सलाम वालेकुम. ओपन शेड में इनका गाला है. सलीम भाई का घर है. सलीम भाई नहीं है आज. तो आज इन्होंने बताया कि कैसा बाज़ार चला. तो आप सब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तो चले और ऑरेंज का बाज़ार जानेंगे और मौसमी का बाज़ार जानेंगे. तो सब चीज़ का बाज़ार आपको पता चलेगा. तो चमेली बोर रहेगा रास्ते में, उसका भी बाज़ार जानेंगे. तो ऐसा है मार्केट का नज़ारा, आप लोग देखते जाइए. तो आप सब समझ सकते हैं कि वीडियो निकालना भी बड़ी बात होती है आजकल. तो ये चमेली बोर है अंकल. आप लोग सब मार्केट में कभी आए सबको आप देख पाओगे. तो आप लोग कभी आइए देखिए और कैसा चलता है मार्केट होलसेल का और कैसे खेती वाले को पैसा दिया जाता है, वो खेती वाला जानता है. तो आप लोग खेती वाले से भी पूछ सकते हैं. ये भाजी वाले से एप्पल का बाज़ार का चल रहा है 50 रुपये किलो सुपर क्वालिटी. और जो अनार का बाज़ार 180 रुपये किलो तक चला है. और अच्छा से अच्छा माल एकदम 200 रुपये किलो, मतलब गाड़ी का बाज़ार जो भी होता है उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐसा भेजा जाता है. 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये. और तो ऐसे ही बाज़ार चल रहा है. सो खांसी भी आ रही है मुझे, एप्पल बोर खा लिया था अभी जस्ट. तो अभी चमेली का बाज़ार भाई साहब, चमेली का बाज़ार चल रहा है 25-30 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी चमेली. तो इधर है संतरा ऑरेंज का मार्केट. तो इसको जल्दी जल्दी आ जाए फटाफट संतरा ऑरेंज का बाज़ार के बारे जानते हैं. रेड ड्रैगन का बाज़ार पूछेंगे भाई साहब से. रेड ड्रैगन का क्या बाज़ार चला. तो कहीं ना कहीं बाज़ार से पंजाब बाज़ार पता चलता ही है. तो
चलिए जानते हैं अच्छा क्या वजह चला। तो ये 140 150 ऐसा रेट ड्रैगन बिक रहा है प्रति किलो, तो और इम्पोर्टेड का अलग ही हिसाब रहता है कि इम्पोर्टेड और इसका अलग अलग संबंध है। लोकल माल रहता है ये ड्रैगन, और जो इम्पोर्टेड रहता है इम्पोर्टेड ही रहता है। तो चलिए अभी कलिंगड़ का बाजार जानेंगे तो और बाजार के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं आज का कैसा पोजीशन चल रहा है फिलहाल। तो